यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में पर्यटन विभाग के महाप्रबंधक डॉक्टर नीरज कुमार चड्ढा IFS ने पतंग उड़ाना सीखा। महाप्रबंधक ने वैसाखी मेले का उद्घाटन किया। यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में बुधवार के पहले दिन वैसाखी मेले की शुरुआत हो गई। इस मौके पर यहां पहले दिन हरियाणा पर्यटन विकास निगम के महाप्रबंधक डॉक्टर नीरज कुमार चड्ढा IFS ने वैसाखी मेले का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने रंग महल के सामने पतंग उड़ाना सीखी। 5.5 फीट की पतंग उड़ाने के लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं चल रही थी, जिस कारण पतंग को हाथों में पकड़कर फोटो खिंचवाए गए। वहीं गुब्बारे उड़ाकर वैसाखी मेले की रस्म निभाई गई। यहाँ MD डॉक्टर नीरज कुमार चड्ढा के साथ मंडल प्रबंधक अनिल कुमार, अमरीक मुवाल, अन्य अधिकारीगण साथ थे। यहाँ पुराने डाक टिकटों की एग्जीबिशन राज सिंह दहिया द्वारा लगाई गई थी, जिसमें पुराने डाक टिकटों का संग्रह और 786 के 10 रुपये के नोट, डाक टिकटें और 786 नंबर के रेलवे के टिकटों का संग्रह एग्जीबिशन में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ पर CRPF ग्रुप पिंजौर का बैंड भी पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा था। यहाँ पर CRPF ग्रुप केंद्र पिंजौर के असिस्टेंट कमांडेंट अनिल कुमार, CO राम कृष्ण अशोक कुमार के नेतृत्व में CRPF बैंड ने अलग अलग फिल्मी और देशभक्ति के गीत गाए। यह गार्डन के अंदर स्टॉल लगे हुए थे, जिसमें महिलाओं का सामान अधिक देखने को मिला। यादविंद्रा गार्डन पिंजौर में सैलानियों ने CRPF ग्रुप केंद्र पिंजौर के बैंड को भी अपने अपने कैमरों में कैद किया। गार्डन में शाम ढलते ही पर्यटकों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया था। यादविंद्रा गार्डन के अंदर पतंगे ही पतंगे आसमान में उड़ रही थी और दूसरी ओर CRPF का बैंड भी बज रहा था। विभाग के MD डॉक्टर नीरज कुमार चड्ढा IFS ने परिवार सहित पतंग उड़ाने का आनंद लिया और बच्चों संग खूब मस्ती की। पिंजौर गार्डन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। शाम ढलते ही गार्डन की लाइटिंग का नज़ारा सभी ने देखा। बाद में यहाँ मंच पर सभी ने डांस किया। वहीं यूथ क्लब SAS नगर मोहाली की टीम ने भी मंच पर फिल्मी गीतों पर बच्चों ने जमकर डांस किया। वहीं गायक कलाकार जो बॉलीवुड फिल्म अभिनेता और प्लेबैक सिंगर स्वर्गीय किशोर कुमार की हूबहू आवाज में कुलदीप कुमार ने फिल्मी गीत गाए। देखो वीर जवानों अपने जवानों।
नजर नजर से अफसाने